आगाज नई राह कौमी एकता समिति सागर द्वारा मिस्टर एमपी एंड मिस्टर सागर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 19 जनवरी 2020 को रविंद्र भवन में किया जा रहा है, जिसमें विजेता को 31,000 की इनामी राशि रखी गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें। सागर जिले के बंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेबस नदी पर बने पगारा डैम के किनारे सेना का एक पुराना बम मिलने से सनसनी फैल गई। बम मिलने की सूचना कुछ लोगों तक पुलिस को दी गई है। पुलिस तत्काल सूचना बम निरोधक दस्ते को दी। सागर से आए बम निरोधक दस्ते ने बम को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह सेना के उपयोग में आने वाला बेहद ही खतरनाक बम है, जो प्रतिक्षण की फायरिंग बिना चला रह गया होगा। वह 81 mm 12 इंच चौड़ाई का तथा 6 किलो वजनी था। गौरतलब है कि सागर के आसपास आने वे सोने से इस तरह के बिना चले बम मिलते रहते हैं, और इसी प्रकार के बम में पिछले दिनों कबाड़ी की दुकान में विस्फोट से एक की जान चली गई थी। ये एक पुराना UXO है, जो अनएक्सप्लोर्ड ऑर्डिनेंस होता है, जो कभी प्रैक्टिस के दौरान जो विस्फोट नहीं हो पाते, इस तरह के बम हैं। पुराने समय में कभी ये चार्ज किया गया होगा और ये ब्लास्ट नहीं हुआ होगा, उसको UXO कहते हैं। तो ये अक्सर मिलते रहते हैं अपने सागर एरिया में, आर्मी वगैरह के होते हैं। 81 mm साइज़ का था ये, और लंबाई इसकी टेल के साथ लगभग 12 इंच थी इसकी लंबाई। वज़न करीब 6-6.5 किलोग्राम रहा होगा। और ये मतलब इसके अंदर जो एक्सप्लोसिव था वो लाइव एक्सप्लोसिव था, बम लाइव था और काफ़ी ख़तरनाक बम था, जिसको TI साहब के साथ में जाके घटनास्थल पर पहुँच कर मौका पर सुरक्षित इंतजाम करके और उसको नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। और उसके बाद आसपास के इलाके को सर्च किया गया। सर्चिंग के दौरान किसी तरह का कोई और सस्पेक्टेड आइटम वहां पे नहीं मिला, और किसी कोई हताहत होने की कोई खबर नहीं हुई। उसके बाद फिर ये कार्रवाई करके वापस थाना टीम आई। आज सुबह करीब 10:30 बजे थाने पर सूचना मिली कि पगरा डैम बेबस नदी के किनारे कालिया घाट कहलाता है, वहाँ पर बम जैसा कुछ है। सूचना पर सार्वजनिक डॉक्टर मकसूद अली और 3 आरक्षक को वहाँ रवाना किया कि देखें घटना क्या है। वहाँ पे जब 81 मोटर का बम जैसा कुछ मिला, तो फिर हमने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और BDS टीम को सूचना दी। BDS टीम आई, BDS टीम के साथ जाके घटनास्थल पे गए, जहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करते हुए वहाँ पे उक्त जो डिवाइस मिली थी उसको नष्ट किया गया। नष्टी के बाद फिर बाद में हम लोगों ने वहाँ पे चारों तरफ घूमे और देखा, ऐसा तो नहीं कोई पहले कोई घटना न हुई, तो वहाँ निरीक्षण के दौरान वहाँ पे कोई घटना नहीं हुई।